मन हमेशा ऐसा ही है, कुछ चिंताएं सपनों जैसा, पुकार जैसा, घटना कुछ होने वाली है जैसे एक बारिश बरसने वाली है, हमारा पीछा कर रही है कुछ तो, कोई तो, और हम उन सब से दूर भागते जा रहे हैं। चलो संभाल के उतरो। हाँ आ जाओ। टीचर किस तरफ जाना है? वहाँ। बेटी तुम क्यों नहीं गई अभी? अंकल मुझे हाथी तो दिखाई नहीं। हाथी? बेटी उसको पानी पीने का मन करेगा तब आएगा ना वो। हाथी का पानी पीने का मन कब होता है? बेटी वो तुम अगली बार आओगी तब। हम बार बार कैसे आ पाएंगे? जब बच्चे आते हैं तो हाथी नहीं आता, हाथी आता है तो बच्चे नहीं होते। आ जा बेटा। ऐसे देखें तो हाथी ना आए वही अच्छा है, अगली बार दिखेगा ये कहकर यहाँ ला तो सकते हैं ने? 7-8 किलोमीटर की बात ही तो है, अगर बच्चों ने कहा कि इमेजिका जाना है तब तो हम फंस जाएंगे, इतने पैसे कहाँ होते हैं? और तो और बच्चों के लिए डोनेशन देने वाले लोग बहुत कम ही होते हैं। सिस्टर चलें? हाँ चलो बेटा, जल्दी चलो, यहाँ से आओ, आजा, चलो चलो। हाँ ये लो। क्या हुआ शिवा, बड़ी जल्दी आ गए आज? मंजू का जन्मदिन है केशव भाई, एक कपड़ा लेना है। राजन की दुकान के सामने खड़ी होगी वो। एक चाय पीकर जाओ। वो तो नाटक है सब, चलो चलते हैं यहाँ से। ये तो सब उसका नाटक है। हाँ तो जाइए फिर। ये एक देना। हाँ कोल्हापुर से हो क्या आप? नहीं मुंबई से। क्या पापा आपके 4 अभी बजे हैं? क्या करूँ, ट्रिप खत्म होना चाहिए ना, हवाई जहाज नहीं बोट चलाता हूँ मैं। ओ मुझे लगा कि रॉकेट उड़ाते हो। आओ बाद में झगड़ना, जाते टाइम गैराज में भी जाना है, चलो। ये वाला ठीक है ना? पापा कैसा है देखो? बहुत तो? अच्छा है, आप पे बहुत अच्छा लगेगा। तुमसे नहीं पूछा तुम मेरे पापा हो क्या? पापा कैसा है ये? हाँ अच्छा है, तुम्हें अच्छा लगे तो ले लो। ये पैक कर दो। इसी मॉडल में एक और चाहिए है क्या? दूसरा कलर देख लीजिए, दूसरे फैशन में। हमें फैशन तू सिखाएगा क्या? आप उससे गुस्सा मत करो, नया है वो, अभी अभी लगा है शिवा भाई, उसको अभी 4 दिन ही हुआ है बेटा। अच्छा सुन बाबू, वही कलर वही मॉडल। मुंबई में सब जीन्स पहनते हैं कॉलेज में पता है। क्या तुमको भी चाहिए जीन्स? सही कहा, साड़ी से स्कर्ट तक पहुंचने में तो मेरी सारी उम्र चली गई है। हमारा मन ही नहीं, हमारा भेष है, ऐसा बोलते हैं हमारे पूर्वज। क्या रे क्या चल रहा है? हाँ कुछ नहीं सर, लफड़ाबाजी कर रहे थे ये लोग। वो सब मुझे सब पता है, चलो गाड़ी में बैठो। चलो आप बोलते तो बैठ जाता हूँ। हाँ जी गाँव से आया हूँ, लॉकअप देखा नहीं है मैंने।
हाँ चलो चलो चल चल बैठ, ध्यान रखना इनका, समय बर्बाद मत करो, बैठ जाओ। हाँ वो हमारा मुकुंद है ना, शक्ति माधव का लड़का। शक्ति मरा था तभी गया था ये, मुंबई में था वो, आज ही आया और आज ही चालू हो गया। शांत रहने का, नहीं तो ऐसे रास्ते पे पड़ा मिलेगा। उनकी गाड़ी में बैठ के चलाऊंगा, तभी मैं सोचा था ए, मेरी कमर रख दे। मेरा बैग कहाँ है? कुछ तो खाने के लिए होगा उसमें। अरे ठीक से पकड़ के रख। सतीश क्या कर रहा है, ऐसे घुमा। अरे ठीक से चलना। शिवा भाई मिले कितना साल हो गया, क्या बताऊं। शिवा भाई मैं आ गया वापस। क्यों कब वापस आया? ओह यहाँ से दूर ज्यादा दिन नहीं रह सकता, एक साल दूर रहा कुछ बड़े लोगों के साथ, लेकिन उधर इतना अच्छा नहीं लगा, वैसे इधर ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ अरे तू इतनी बड़ी हो गई, मुझे लगा तू शादी करके ससुराल चली गई होगी। कब छोड़ा पुलिस वालों ने? मैं था वहाँ टाउन में, सब देखा मैंने। वो क्या ना शिवा भाई, मैं अपना गांव देखने के लिए आया था, सोचा कि पूरा गांव घूमूंगा और फिर वापस लौट जाऊंगा मैं, लेकिन शिवा भाई अगर वो मेरे सर पे आके चढ़ेंगे तो क्या मैं छोड़ूंगा? आप ही बताओ, एक बात बताओ, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? हाँ मुकुन, कल हम सुबह आएंगे, दो गाड़ी और निकालना है, जैकी भाई बोले थे। हाँ ठीक है जाओ। बेटी चलो हम भी अंदर चलते हैं। अभी मैं चलता हूँ, क्या है ना अभी सोना है, सुबह थोड़ा काम है। जिंदगी जीना है तो थोड़ा थोड़ा पिया करो, कभी कभी तो जिया करो, कभी कभी तो जिया करो, थोड़ा थोड़ा पिया करो, कभी कभी जिया करो। सेवा तुम। मैं क्वार्टर्स गया था। हाँ। काम वाला बोला मुझे कि आप यहाँ पर गेस्ट हाउस में हैं। खड़े क्यों बैठो? नहीं सर मैं यहाँ ठीक हूँ। क्वार्टर सब बढ़िया है, लेकिन कुछ दिनों से कुत्ते लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, इधर उधर बैठे रहते हैं, बहुत परेशान कर रखा है। घर से पोते लोग आए हुए हैं, चार पाँच दिन ही बस यहाँ रहूंगा मैं। और बताओ सुबह सुबह कैसे आना हुआ? वो मैंने पहले वाले सर से बात की थी लोन के बारे में। पीएफ से ना, आ उसके पेपर भेज दीजिए मैं देख लूंगा। जी अचानक आपको इतनी जरूरत पड़ गई पीएफ से लेना, मतलब? वो बेटे ने 12th का एग्जाम दिया है, रिजल्ट आने वाला है, डिग्री के लिए मुंबई के किशन चंद कॉलेज में दाखिला करवाना है, वहाँ पे वो एंट्रेंस की कोचिंग के लिए भी जा सकती है। आपके लिए फोन आया है। मैं चलता हूँ सर। हाँ ठीक है। अरे बाला का फोन है क्या?
लो। रविवार को भी कितनी भीड़ रहती है। आगे कहीं रोड बंद है शायद इसलिए। हाँ चल उतर गाड़ी से। चल उतर गाड़ी से। अरे देख क्या रहा है, चल नीचे उतर, निकल यहाँ से। सुनो तो क्या कर रहा भाई। भाई अगले हफ्ते पक्का भर दूंगा, मुझे घर जाना है भाई प्लीज। ठीक है, इस गाड़ी के सारे पैसे भरना और लेकर जाना, समझे? प्लीज भाई चल जाए यहाँ से, बेटर है। हाँ कौन काम चालू कर दिया क्या? भाई भाई सुनिए, चाचा एक चाय दीजिएगा। हाँ जी आपके पैसे। हाँ ठीक। यादें ऐसी ही हैं, भूलने की कोशिश करो तो और व्यक्त होती रहती हैं। कुछ चेहरे हैं पल भर की जरूरत है, कितने भी लोगों में पहचान में आती हैं। किसी को क्या पता कि जिंदगी फिर से कौन से नए मोड़ पर ले जाए। शांता माँ थोड़ा पानी। हाँ। माया बेटी उठो। क्या हो रहा बेटा? पापा मुझे हमेशा यहाँ दर्द क्यों होता है? वो मेरी बेटी को इसीलिए तो टॉफी देता है ना। तो फिर मंजू दीदी को क्यों नहीं देते हो? वो क्योंकि तुम उनको बहुत ज्यादा पसंद हो इसलिए वो देते हैं। हाँ मंजू दीदी को टॉफी नहीं मिलती। मुझे लगा ही था तुम्हें देर होगी। क्या हुआ भैया? बच्चियां अभी उठी नहीं है, तुम यहाँ बैठो, मुझे वो कैंप तक कपड़े पहुंचाने हैं। दूसरों को तो ऐसे रोक सकते हैं लेकिन वहाँ सीआई बाल गोपाल सर अगर लेट हुआ तो बहुत ताने मारते हैं। ठीक है भैया आप जाओ, मैं हूँ यहाँ। और हाँ शांता माँ को बोल कि पुलिस वालों के कपड़े जरा ध्यान से और अच्छे से धोएं, मार मार के सारे बटन्स तोड़ दिए हैं। मैं तो बोल बोल कर थक चुकी हूँ, पर दादी कहती है मार मार के कपड़े धो तो ही साफ होते हैं। ऐसे ही चलता रहा तो वो मुझे मार मार के धोएंगे, ऊपर से गाली अलग देंगे। पापा। हाँ
बाबा की माया बेटी उठ गई। हाँ। बाबा की मंजू बेटी वालसी तो सो रही है। अच्छा क्या, फिर तो माया बेटी ही अच्छी बच्ची है। आप कहाँ जा रहे हैं पापा? गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। ये धोबी के कपड़े और ये सिले हुए, ठीक है? ठीक है। सर आ गया। कपड़े धोना और इस्त्री करना सब कुछ सही चल रहा है, सब अपने हिसाब से करते तो कलाई क्यों नहीं तुम? कल बेटी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई। हाँ, बहाना अच्छा है तो ठीक है, अपने हिसाब से सब कर लो, बस बहाना चाहिए इन लोगों को। क्या हुआ? अरे निकम्मे है लो। जी सीआई साहब को आज ज्यादा गुस्सा आएगा शिवा। एक सीक्रेट केस छुपाया है उन्होंने, शायद 6 महीने तक घर बैठना पड़ सकता है। ऐसा क्या? एसपी ने बुलाया, वहीं से आ रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा 5 दिन में इनके हाथ लग जाएगा, सस्पेंशन। सवा 1 एकड़ जमीन है। जी हाँ। 1.5 लाख तक दे सकता हूँ मैक्सिमम, चलेगा ना? चलेगा। पापा मेरी गाड़ी का पहिया टूट गया। बाबा ठीक करके देंगे, थोड़ा टाइम दो। बीमारी किसको है? इसको। स्कूल ना जाके दोनों खेल रहे हो आज? हाँ। शनिवार के दिन छुट्टी होती है, आपको कुछ नहीं पता क्या? अरे वाह। इतनी सी छोटी सी उम्र में बीमारी हो गई, क्या कर सकते हैं? गांव में घर के बाजू में ही एक बच्ची है, उसको भी हार्ट में इश्यू है। वैसे भी बच्चों को इस तरह की बीमारी, सांस की तकलीफ है बताया डॉक्टर ने, और कुछ समय से सांस लेने में भी दिक्कत होती है उसको, देखा नहीं जाता मुझसे बिल्कुल नहीं। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत कर। अच्छा तो चलता हूं। सर चौदह तारीख को ऑपरेशन है ऐसा बोला डॉक्टर ने। ओ, उसके लिए अभी 2 हफ्ते हैं, सोमवार को सुबह तुम बैंक आ जाना, 4-5 दिन में सब रेडी हो जाएगा, चलेगा ना? ओके सर। ठीक है। क्या चाहिए आपको? 1/2 किलो भिंडी। भिंडी? क्या हुआ माया बेटी? पापा टमाटर लेना है। हाँ 1 किलो टमाटर भी। हाँ देता हूँ। टमाटर क्यों चाहिए पापा? टमाटर खाना बनाने के लिए। माया को मेरी दीदी की मुर्गियों को फेंक के मारना है इसलिए। हाँ क्या माया बेटी, हम एक काम करते हैं, 1 किलो आलू भी ले लेते हैं, मुर्गियों को हम आलू से भी मारेंगे। हाँ, मैं भी भेकूं क्या पापा? भेकना। तो 1 किलो मुर्गी, अब 1 किलो आलू। क्या चाहिए आपको? रिबन। कौन सा कलर चाहिए बेटी? येलो। मेरे लोगों को बुला। जी सर। तुम लोग एक काम करो, यहाँ जो भी दुकान गोडाउन बंद हो उसे जाकर खुलवाओ, जल्दी जाओ, जाओ। हटो हटो। क्या हुआ साहब? अरे साहब।
चलाओ। चलो देखो उधर साइड हटो। निकलो। निकलो। चलो चलो। अरे सुंदर कौन है ये लोग? अरे चाचा वो लॉरेंस भाग गया ना। भाग गया? अरे गुंडा लॉरेंस, चार मर्डर तीन रेप, इतने कांड किए उसने। तमिलनाडु में तो और भी कांड किए हैं। तमिलनाडु का बाप मलयाली? नहीं नहीं, माँ मलयाली है। बाप उसका तमिलनाडु से। एक नंबर का पागल है वो। कैसे आ गया? हाईवे पुलिस ने 2 हफ्ते पहले उसे रोड के ऊपर पकड़ा था। 2 पुलिस वालों को चाकू मार दिया उसने। अखबार में भी आया था। आज उसे एक कोर्ट लेकर के जा रहे हैं। मंजू बेटा उठो, ये पी लो, उसके बाद। ये क्या पापा, मंजू को भी टॉफी मिल रही है? ए, बेटी ये थोड़ा सा जूस है बुखार का, इसको पीने से सब चला जाएगा। बस पापा। हाँ आराम से सो जाओ, आराम से लेटो। शिवा ये लो, ये पकड़ो। बैंक वाले आए थे, क्या हुआ, कुछ मिलेगा? वो कल आने के लिए बोले हैं। बस बच्ची बच जाए। फिर आ गया, रुक अभी बताती हूँ। उसका बेल बजाना और इसका सुनकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराना, सब समझती हूँ मैं, समझ गई ना? पैर तोड़ दूंगी अगर ज्यादा उड़ी तो। हाँ दादी, मैंने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं। ओह पापा, दादी के साथ मैं भी जाऊं क्या पतंग उड़ाने? अरे बेटा आजा मेरे साथ, और सुन मंजू को भी ले। वो सोई है, उसको बुखार है। अच्छा अच्छा, तो हम चलते हैं। आजा बेटा चल। ये लो राघव। और तुम आज सुशीला को नहीं लाए? उसको किस लिए लाऊं, उसको देखते ही मेरी माँ चिढ़ जाती है। राघव शांता दी तो बूढ़ी है। गांव वालों को अच्छा लगता है लेकिन घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए रहने दो। मैं चलता हूँ शिवा भाई, मेरी दीदी के वहाँ बच्चों को झूला बांध के देना है, इसलिए मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। राघव चाचा है ना, झाड़ से गिर गए। अरे कब, कैसे? मेरी दीदी के आंगन में। कान्हा, माया बेटी कहाँ है? धोबी घाट पर रमा दीदी के साथ है। शांता दादी, मेरा बेटा। डॉक्टर ने क्या कहा शांता दादी? पता नहीं, ऑपरेशन चल रहा है, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, ये क्या कर दिया। मैं क्या करूं? कहाँ है वो शिवा भैया? राइट जाओ। माया बेटी कहाँ पर है? वो दादी के साथ आई थी ना। अरे मेरा बेटा राघा, तू मुझे छोड़ कर कैसे चला गया? बेटी, बेटी, माया बेटी, माया बेटी, बेटी,
बेटी। मेरी बेटी, आवाज मत करना, मुंह बंद। कौन है तू? और यहाँ ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ देर यहाँ वेट करना है, रात होने तक। तब पम 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 मेरे लिए गाड़ी आएगी, उसमें जाऊंगा। एस्केप, दूर दूर, बहुत दूर, पुलिस से बहुत दूर। दिख गया तो पकड़ा गया, पकड़े जाने के बाद कोर्ट केस का झंझट। बदले में क्या? बदले में कुछ भी नहीं है ना। तुम लॉरेंस हो क्या? पहचानते हो? कैसे पता? तुझे कैसे पता? तू पुलिस वाला है? नहीं। तो फिर कौन है? मैं सिलाई वाला, टेलर। ऐसा क्या? तो फिर तू मुझे एक नया शर्ट सिल के दे। देख 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 देख, एक जैसा है सर, सिल के दोगे ना सर? शेव करना है, फिर नया शर्ट पहन के तुले जैसा दिखूंगा। बेटी वहां बैठ। क्या? बैठ के बात करना। बेटी, माया बेटी। क्या क्या बुलाया? माया बेटी। ए, 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 नहीं नहीं नहीं, क्या क्या बुलाया? माया, माया लड़की उसके जैसी हो, मक्खन जैसे। ओ पो 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 पो, गाड़ी आएगी मेरे लिए। इसके तभी उसके साथ इतने साल तक मैं रुका रहा। माया, माया, माया उतनी ही प्यारी है। मेरी बेटी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको दवा देना है। हे, कौन सी दवा? सब दुआ है। मैं पैर पड़ता हूँ, वो मर जाएगी मेरी बच्ची। अरे क्या तू भी बेटी बेटी कर रहा है? पापा, पापा के पास जाना है। चिंता, पापा को बहुत चिंता हो रही है बेटी की, है ना? मेरे पास यही है, दवाई घर पे है, मैं वो लेके आता हूँ, नहीं तो मेरी बच्ची मर जाएगी। वो उसे छोड़ दो। कैसे छोड़ूं? तू जाकर पुलिस को बता देगा और वो मुझे पकड़ लेंगे और मैं जेल चला जाऊंगा।
ऐसा ना हो इसलिए तेरे बच्ची को पकड़ के रखा है। हाँ, कुछ देर वेट कर, रात को माया मेरी बंदी आएगी, फिर एस्केप हो जाऊंगा, फिर तुझे जहां जाना है वहां जा, अभी कुछ देर रुक जा। हा? मेरी जान है ना, चुप हो जा। बच्ची नाटक मत कर, बात माना कर, समझी? बेटी बैठ कर बात करने को बोला था। मैंने भी उसको मार दिया। रो मत, मैं आ गया हूं ना।
बंदूक कहाँ है? डरो मत, केस वगैरह मैं देख लूंगा, लेकिन तू अभी यहां से चले जा। अगर तू इसी गांव में रुका तो आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ जाएगी, उसके बाद कोर्ट जेल तू फंस जाएगा। तेरी बच्ची की मौत हो गई है ये खबर तुझे सुनने को मिलेगी। लॉरेंस वो बहुत खतरनाक है। मैं कहां? वो सब मैं बंदोबस्त करता हूं कुछ समय के लिए, कहीं कुछ भाड़े पर ऐसा कुछ, तेरे घर को मैं बचवाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद कहीं दूर एक घर लेके। पर अभी तू अभी इसी रात को निकल जा यहां से। मैं इस रात को? सवेरा हो गया तो शायद मैं तुझे बचा नहीं पाऊंगा, एक छोटी सी चीज और पुलिस तेरे घर के बाहर होगी। डर मत, मैं सब संभाल लूंगा, मेरा एक बंदा है वो तेरी मदद करेगा। लेकिन सर मैं अपनी बच्ची का कहां कैसे? देख जो हो गया उसे सब भूल जा, अभी तेरी एक लड़की है ना, उसके लिए तुझे जीना होगा। एंथोनी, याद है आपको? अब ऐसे कैसे भूल जाऊं? आओ एंथोनी बैठो। नहीं, थोड़ी जल्दी में आओ, दोपहर को आया था। टेलर शिवा कुटी पूछा तो किसी ने नहीं बताया, दूसरों के घरों में चला गया, फिर रास्ते में गाड़ी खराब हो गई इसलिए इस वक्त आना पड़ा। अचानक क्या हुआ? मुझे मिलना है बाल गोपाल सर से, कुछ लिखा पढ़ी का काम है रजिस्टर ऑफिस में। क्या लिखा पढ़ी? जमीन से संबंधित, ज्यादा कुछ नहीं बोले, सिर्फ लेकर आने बोले। सर चल नहीं सकते वरना खुद ही चले आते, सुबह तक निकले तो शाम तक वापस आ सकते हैं, मैं छोड़ दूंगा वापस। लॉन्च वालों ने गेट लगा दिया तो रास्ते में गाड़ी लगानी पड़ जाएगी, सुबह रोड की तरफ आ जाओ 9 बजे, मैं वहीं मिलूंगा। ये लो चाय। चाचा एक चाय दीजिएगा। ओ क्या बात है शिवा, कहीं जाना है केशव भाई? हाँ चाय दूँ क्या? हाँ। ये लो। हाँ फिर चालू हो गया उसका धंधा?
कहीं दूर जा रहे हो क्या? हाँ, रात से पहले आ जाऊंगा। फिर भी मंजू को केशव भाई आपके यहाँ भेजा है। अच्छा हुआ, कुछ दिनों से मिली नहीं, बेटी बोल रही थी मुझको। हाँ अभी तुम जाओ। हाँ। बाद में बुलाता हूँ। ठीक है। शिवा आओ। आओ शिवा, बैठो। नहीं सर। अरे बैठो, ऐसे भी रिटायर होने के बाद क्या पुलिस, बैठो। और सब बढ़िया है ना? बेटी मंजू वो भी अच्छी है सर, खुश है वो, इस साल कॉलेज में जाएगी डिग्री में। ओह गुड। सर आपके गर्दन में हो स्पॉन्डिलिटिस है, इसलिए हमेशा ये पहनना ही पड़ता है। बीपी, शुगर, उसके बाद ये सब। लो। नहीं, मैंने पीता, काफी वक्त हो गया। अरे आज पी लो, एक दिन से कुछ नहीं होता, आज की खुशी के लिए पी लो। पहले माले पे बहुत चूहे हैं, क्या है कि वहाँ कोई जाता नहीं है ना, और मैं यहाँ कभी कभी आता हूँ। खानदानी घर है ना, माँ के जाने के बाद ऐसा ही है। कभी कभी मैं और साधना कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक जाते हैं। साधना दीदी? वो घर पर है, दो चार दिन से उन्हें बुखार है, नहीं तो वो भी आती। सर आपने मुझे बुलाया। कोई जमीन का सिलसिला है, बोला एंथनी ने। अपने लाइब्रेरी के बाजू में 5 एकड़ जमीन बहुत पहले लिया था मैंने, अभी वो जमीन का जो भी भाव मिलेगा ना वो मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। क्यों? सीआई बाल गोपाल अभी एक रिटायर्ड डीएसपी है, बहुत गलतियां की है मैंने। सबसे बड़ी गलती मैंने तुम्हारे साथ किया शिवा। स्टार्स, प्रमोशन, सैल्यूट, बेस्ट ऑफिसर के नाम का पुलिस मेडल। उस लॉरेंस को तुमने गोली मारा था ना, लेकिन नाम पैसा रिवार्ड सब लेके भाल को भाल गया। मैं तुम्हें फंसा रहा था शिवा, सस्पेंशन मिलने ही वाला था, तब बचने के लिए एक मौका मिला, गुंडा लॉरेंस, जो एक सीआई से नहीं हुआ वो एक तुम जैसे टेलर से हो गया शिवा। बहुत अजीब है ना, इसलिए एक पैक और मारूंगा। एक 61 साल का हो जाऊंगा अगले हफ्ते, बुढ़ापे के बाद ही सारी गलतियां याद आती हैं, इसे एक उपहार समझो।
3 बजे ऑफिस पहुंच जाना। रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम पर पहुंच जाना। उससे पहले सारे पेपर्स निकलवा कर रखवा दूंगा मैं। क्यों शिवा, मैं इतना तो कर ही सकता हूं ना। तुम्हारे मार गिराए उस गुंडे के नाम पे मिली भीख है मुझे, ये नाम और इतना सारा पैसा। उसके बदले में इतना तो मुझे करना चाहिए ना शिवा। उस दिन मेरे सर्विस गन से उस गुंडे को तुमने मार गिराया था ना, है ना शिवा, है ना शिवा? कौन, किसने मारा, क्या बोल रहे हैं सर आप? मैंने आज तक गन को हाथ तक नहीं लगाया है। ए शिवा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हीं ने तो मारा था उसको, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने सर, क्या हुआ है आपको, याददाश्त कमजोर है? झूठ है ये, एकदम झूठ। मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, तुम्हीं ने उसको गोली मारा था मेरी आंखों के सामने। सर यही बार बार क्यों बोल रहे हो आप? मैंने किसी को कुछ नहीं किया। सर लगता है आपको चढ़ गई है, मैं जा रहा हूँ। पूरी बोतल पीने के बाद भी ठीक रहता हूँ मैं, तू ये क्या खेल खेल रहा है हा? तूने ही मारा था उसे, बोल, लॉरेंस को तूने ही मारा था ना? क्या नाटक कर रहा है तू? तूने ही मारा था ना, बोलना, मारा था कि नहीं? उस लॉरेंस को तूने ही मारा था? सिलना, धोना, इस्त्री करना, बस यही सब काम करके मैं अपना घर चलाता था। लेकिन वो चूहा है या इंसान, वो है तो छत के ऊपर, क्यों सर? कोई नहीं गया ऊपर तो सीढ़ियों पर मकड़ी का जाल कैसे टूटा? रीढ़ पर गोली लगने की वजह से 12 साल तक बिस्तर पर रहने वाला लॉरेंस कैसे भाग गया? उसके शरीर पर हुए बदलाव और ठीक हुआ तो डॉक्टर से भी छुपा कर रखा मेडिकल रिपोर्ट। सन 2000 में पुलिस से हुए मुठभेड़ में लॉरेंस को ये चोट लगी, वो डॉक्टर्स की निगरानी में रहा। लॉरेंस अपने पास्ट के बारे में सोचता रहा, मौका देखकर उसने डॉक्टर को चकमा दिया और वहां से भाग गया। पुलिस भी वहां पर थी लेकिन पुलिस वाले भी उसका कुछ नहीं कर पाए। है ना सर, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, यह कुछ बाकी रह गया। सर आपने मुझसे इतनी सारी बातें छुपाई, आपके चेहरे पे डर है, सही कह रहा हूं ना मैं? बोलिए सर। मेरी बेटी का बेटा 7 साल का है, मैंने अपने गोद में पाला है उसको और वो लॉरेंस के हाथ में है। मेरा पोता एक पैर से कमजोर है, उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए गया था, मेरा ध्यान क्या हटा, वो लॉरेंस। मेरी बेटी रो रही है, शाबना को अभी तक नहीं बताया और मेरा दामाद कनाडा में है, उसको भी नहीं बताया। मुझे मेरे पोते को बचाना है शिवा, उस लॉरेंस के हाथों से कैसे भी करके। उसके सामने रो रो कर मैंने बोला कि उस दिन मैंने तुम्हें नहीं मारा था, लेकिन उसे मेरी बातों पे विश्वास नहीं है, उसे लगता है मैंने ही मारा है। उसने मुझसे कहा कि मैं भरोसा कर लूंगा, लेकिन जिसने मुझे मारा है उसे लेकर रहा, तभी वो मेरे पोते को छोड़ेगा शिवा, इसीलिए ये सब मैंने किया।
उससे सब बोल दो शिवा कि ये सब तुमने किया, मेरे पोते को बचा लो शिवा। आपने जब भी बोला मैंने सुना। अपनी माँ या बेटी की लाश को अपने कंधे पर रख के किसी को बताए बिना ये गांव छोड़कर चला गया मैं, एक अनजान व्यक्ति की तरह। अपनी बच्ची की लाश का क्रियाकर्म किया जैसे आपने बोला, मैंने वो सब किया। लेकिन अब आपने उस दिन पूछा एक और लड़की है ना, उस लड़की के लिए जीना है या नहीं, तो मैंने कहा हाँ। मेरी बेटी के लिए मुझे भी और जीना है सर, जैसा आपने बोला। अगर मैंने वैसा किया तो आप जानते हैं ना सर, मेरी जिंदगी ही नहीं बचेगी, लेकिन मुझे मेरी बेटी के लिए जिंदा रहना है। रिटायर्ड हो गए फिर भी आपके बुलाने पर पुलिस आएगी ना, शायद आ जाएगी, इसीलिए आप मुझे जाने दो सर। सिर्फ वो क्रिमिनल होता तो ये सब बहुत पहले कर दिया होता शिवा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पागल है, अगर उसे जरा भी शक हुआ तो मेरे पोते को मार देगा। पोते के लिए आप मेरी जिंदगी मांग रहे हैं सर, लेकिन मुझे मेरी बेटी के लिए जीना है सर। शिवा वो क्या है कि लॉरेंस झूठ बोल रहा है, वो उसी ने तुझे मारा था। लॉरेंस मेरी बात का यकीन करो, उसी ने मारा था मेरी आंखों के सामने तुझे। मेरा पोता वापस दे दे, चाहिए बच्चा, चाहिए देता हूं, अभी देता हूं सर, लेकिन मुझे सच बताओ, अपने कानों से सुनना है, शिवा कुट्टी वो साधु, कुछ तो बात है ना सर? उस हिसाब से आपका बच्चा मेरे पास है, ओ ये तो बहुत गलत है, माफ कर दो सर, गलत है, बहुत गलत है। आइए बैठिए ना सर, आपके पोते को मैं छोड़ देता हूं, अब खुश हो ना? सर खुश हो गए, सर खुश हो गए, सर खुश हो गए, उसके बाद मेरा काम तमाम ना, सही कहा ना? बच्चा मिल जाने के बाद आप पहले जैसे पुलिस वाले बन जाओगे और मुझे पकड़ लोगे। नहीं लॉरेंस, मैं कुछ नहीं करने वाला, किसी को कुछ बताऊंगा भी नहीं। मुझे पता है सर, आपको पेपर में अपना फोटो छपवाना अच्छा लगता है, इस तरह से मैंने देखा है। मुझे अब फिर से जेल नहीं जाना है, कितने साल अंदर था जेल में, एक एक दिन मैंने कैसे गुजारा है पता है तुझे? ऐसे 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 सोकर सुट्टा है, सिगरेट। जलाओ। Thank you.
ऐसे सोता था कि हाथ पैर भी नहीं हिला पाता, ये भी करना मुश्किल था। फिर एक दिन क्या हुआ, हाथ पैर हिला, फिर पता चला मुझसे होगा, होगा मुझसे। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, वेट किया, बहुत वेट किया। हाथ पैर शरीर पूरा बंधा हुआ था, मेरे इशारे पे आने तक बिल्कुल मरा हुआ पड़ा था, सब खत्म सा लगने लगा था। उसके बाद एस्केप, क्यों पता है सर, इधर एक दर्द है, एक जलन, वो बुझना चाहिए, इधर दर्द 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 दर्द, वो कौन है मुझे पता लगा, शिवक, उसकी हंसी, उसमें जरूर कुछ तो है, देखता हूं। तुमको डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पोता तुम्हारे पास होगा, कुछ दिन वेट करो, सब देख झाक करना पड़ेगा ना। शिवा, उसने मुझे फंसाया है तो वो आएगा सब सच बताने, मैं ले आऊंगा। वहां तो तुझे बीच वगैरह भी देखने को मिलेगा ना, क्या पता बाहर छोड़ेंगे कि नहीं, पता नहीं, गर्ल्स हॉस्टल है ना। सुन जल जा, जरा भाजी काट दे, बात भी नहीं करने देती, तो वैसे भी आलसी है, जब ससुराल जाएगी तब पता चलेगा। हाँ मुझे तो लगा था कि आज आपको बहुत लेट हो जाएगा। हाँ, आखिरी बस मिल गई, चले बेटी। चलती हूँ आंटी, चल बाय। केशव भाई नहीं है क्या? उन्होंने कहा कि जरा दवा खाना जाकर आता हूँ, दाएं पैर का सूजन थोड़ा सा बढ़ गया है, उम्र हो गई है, मैंने कहा है थोड़ा चला फिरा करो, पर सुनते कहाँ है वो। बाय। हाँ। उस दिन जैसे लाके गिरा मत देना बे। गुड नाइट भाई, चल बे, चल घुमा घुमाना। ए, ए शिवा भाई, कहाँ गए थे इतनी रात को दोनों? थोड़ा काम से गया था। घूमने? हमने वो कंप्लेंट हटाने की सोची है, वो क्या है ना, रास्ते पे मारा मारी करते ऐसा कंप्लेंट है ना। अब आप ही बताइए, दो पैक लगाने के बाद कैसे पता चलेगा कि रोड है कि बाहर है। हमारे भाई ने बोला, वो जो बीसी चलाता है ना, उसने कहा कि पीना है तो खुद के घर पे पियो, इसलिए सोचा सही बात है, लफड़ा कम होगा। बात तो सही है, मेरे लिए भी लफड़ा और पुलिस वालों के लिए भी लफड़ा खत्म। चलो तो शिवा भाई, आगे से थोड़ी आवाज आई तो प्लीज थोड़ा मैनेज कर लेना। पिएंगे तभी तो जिएंगे। हाँ। भाई ये जिंदगी ऐसे नहीं जिएंगे, मर मर के जीना है तो ये क्या बोल रहे हो तुम, कहाँ जाओगे तुम? कहीं भी, बहुत दूर, जहां उसको नजर ना आए, इतनी दूर। हम अगर पुलिस के पास जाएंगे तो? एक पुराना ऑफिसर वहां डर के मारे बैठा है, जाना है, जाना ही होगा। ये सब मैंने किसी को नहीं बताया, किसी को इसके बारे में पता भी ना चले, मंजू को भी नहीं।
घर और जमीन बेचना है। कोई पहचान में है? अगर है तो एक बार मेरे पास लेकर आइएगा। अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ। आ क्या भाई, जल्दी आओ, ये पकड़ो। सुलेमान भाई, वो वहीं सेल्फ पे रख दो। शिवा, वो देखो राजन, तुम रुको यहाँ। हाँ, शिवा, राजन खरीद लेगा। हाँ, शिवा भाई, आप क्या भाव दे रहे हैं? वैसे अभी क्या भाव चल रहा है राजन? अच्छा, अगर जल्दी हो तो कल के ही कल सब अगर सेट कर लें तो। वो क्या है कि जल्दी है तो रजिस्ट्रार ऑफिस में अपना पहचान वाला है, अगर पेपर वगैरह सारे ठीक हैं तो 4-5 दिन लगेगा, उतना तो लगेगा ही। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, एक मिनट रुको। चलो चलो चलो। भाई 1 किलो दाल देना। भाई 2 सिगरेट देना, खुद ही ले लो ना शशि। रास्ते में बहुत पुलिस वाले हैं, मिनिस्टर उनके बच्चे घूमने के लिए आए हैं। हाँ सुना है, दिल्ली से आए हैं। हाँ कोई रेड्डी है, सुना है वीवीआईपी है। ये लो पैसे। तुम्हें क्या चाहिए शिवा? 1 किलो शक्कर। ए, रुको रुको रुको। निकला, निकला, निकला। ये लो, ठीक है। डिक्की खोलो। एक तमिलनाडु की जीप है, रोकने पे नहीं रुकी, क्या करें सर? चलो जल्दी। अरे सर, हमारे सुमन को उसने ठोक दिया। वो कोई और होगा, ऐसा लगा होगा तुझे। नहीं केशव भाई, वो सिर्फ एक ड्राइवर नहीं था, बिल्कुल पागलों के जैसे। हाँ वो वही था, लॉरेंस। 12 साल का बदला है उसमें। मुझे ढूंढने के लिए आया था, मारने। पूरे गांव में पुलिस आई है, मिनिस्टर और बच्चे 2-3 दिन यहाँ पर रहेंगे। चलो अच्छा होगा, इस झंझट में वो नहीं आएगा। शनिवार को रजिस्ट्रेशन करेगा ऐसा बोला राजन ने। पैसा मिलते ही चले जाना तुम यहाँ से, कहीं जाके अच्छे से जीना। मंजू। क्या ये खाना है? बाजू में कोई भूखा सो रहा है तो उसे खाना खिलाना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन अगर एक बाप सोया है
और उसकी बेटी आधी रात को ऐसे कहीं उठकर चली जाए। मुझे लगा आप मुझे डांटेंगे, इसलिए मैंने एक मुट्ठी खाना। उसके ऊपर क्या तुम्हारे मन में कुछ और भी था, बताओ मुझे। क्यों भाई? शिवा भाई, उसको मारकर आप गलत कर रहे हैं। क्यों? वो मेरी बेटी है। मैं मारूं या कुछ करूं, तू कौन होता है पूछने वाला? मैं कौन हूं? मेरा नाम इतना खराब है कि लफड़े करना, मारा मारी करना, दारू पीना और भी बहुत कुछ। अगर इतनी समझ होती तुझमें तो आज ऐसे हालात में ना होता। बाप के लाश से माँ को मारते हुए देखने वाला 11 साल का बच्चा और क्या बनेगा? जानते हैं ना वो बाप कौन था? चर्च का फादर। भरोसा नहीं हो रहा है ना? हाँ, शक्ति माधव, गांव में मरे या कोई पैदा हो तो सबसे पहले पहुंचने वाला और पूरे गांव वालों का चहेता, कोई भरोसा करेगा क्या? पता नहीं है ना आपको, एक को छोड़ के 4-5 साल पहले मैंने ये बात आपकी बेटी को बोली थी, मंजू को। वो किसी को नहीं बताएगी, यकीन था मुझे, आपको भी एक भरोसा था और प्यार भी। नहीं, मुझे ऐसा प्यार नहीं पसंद। मेरी इस बच्ची के लिए मैं जिया, जी रहा हूं। इसको तुम्हारे जैसे लोगों के पास भेजने के मेरे पास 100 कारण हैं। बदले में तू सही है, सोचने के लिए मजबूर करने वाला, कोई एक वजह बता। शिवा भाई, आपने जो कहा सही है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन चाहे कोई भी वजह हो, शिवा भाई उसे मारना नहीं चाहिए था। शिवा भाई, आपने पूछा ना कि क्या वजह है, मैं बताता हूँ। अगर मेरे साथ रही तो वो कभी नहीं रोएगी। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, ऐसा लगा होगा उस दिन आपको। भरोसे का साथ दे सकते हो, मुझे भी लगा ऐसा, सच बोल रहा हूँ। वो देखो वहाँ उस पहाड़ का शेप देखो, हाथी जैसा है ना? हाँ, देखा देखा, वो वहाँ दूसरा वाला। शिवा भाई, मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। सुना है कि आप घर बेचकर जा रहे हो, आप कहीं और जा रहे हो ना रहने के लिए, है ना? उस रात मैंने सोचा कि आपने सब मान लिया, लेकिन सब एक नाटक था ना। सच कहा ना मैंने, मंजू को मुझसे दूर करना है, इसलिए ये घर छोड़ रहे हो ना? अगर अपनी बेटी को मुझे नहीं देना था तो एक बार बोल दिया होता, मैं आपके सामने कभी नहीं आता। इसी वजह से ये गांव घर छोड़ के जा रहे हो ना? साफ साफ बोल दिए होते मुझसे, मैं ही चला जाता। मुझसे डरने की क्या जरूरत है? तुमसे डर के बहुत सारी बातें हैं जो तुमको नहीं पता, मेरे अंदर की बातें। सही कहा, मैं डर के ही जी रहा हूं, लेकिन तुमसे नहीं। है कोई एक मेरे और मेरे बच्चों की जिंदगी में न जाने कहां से आ गया है, वो किसी भी पल वो यहां आ सकता है। उसको मेरी जिंदगी चाहिए, मरने से डर नहीं लगता। लेकिन अगर मैं चला गया तो मेरी बच्ची इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो जाएगी। लेकिन जाना ही पड़ेगा, ऐसी जगह जहां उसकी नजर ना पड़े। कौन कौन है वो शिवा भाई? सब कुछ बताऊंगा मैं तुम्हें बाद में कभी, जल्दी बता के ऐसे सब खत्म नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात बताता हूँ,
अब तो मेरे लिए जूने वाला मुकंदन नहीं है। एक आवाज पे तो आएगा, ये मन बोल रहा है। एक भरोसा, एक हिम्मत, वो है मुझे। हाँ ठीक है, ये लीजिए शिवा भाई। हाँ। जैसा बोला था 40,000 कम है इसमें, कल घर पे लेकर के आ जाऊंगा। चेक चाहिए क्या आपको भरोसे के लिए? चाहिए तो दिलवा देता हूँ। किस लिए? भरोसा नहीं है तो इंसान किस लिए है? बिल्कुल सही बात है। राजा, हम शायद कल ही रात को निकलेंगे, शायद मैं नहीं मिल पाऊंगा। ओहो, अच्छा तो हम अभी चल मैं अभी जाकर के आता हूँ, साथ में चलेंगे ना हम लोग, थोड़ा बैठ के बातचीत भी करेंगे। क्यों केशव भाई? हाँ, फिर कभी बैठेंगे, अभी बहुत काम है, हम दोनों को जाना जरूरी है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलता हूँ। गाड़ी में सिस्टर और बच्चे हैं, गाड़ी सीधी खाई में गिर गई थी। अरे सुनो भाई, अरे सर दारू पी थी उसने पक्का, क्या गाड़ी भगा रहा था, जीप थी क्या? जीप ही थी, उसके सामने ही तो लोग आ गए थे सर। अरे उसको बचाने की कोशिश में ये गाड़ी सीधे खाई में गिर गई सर। बच्चों की बस पलटी है। आता हूँ आता हूँ। अंकल हाथी नहीं दिखा। हाथी पानी पीने कब आएगा अंकल? सर वो जीप मिली है, बहुत ही डैमेज है सर, तमिलनाडु की लगती है सर। क्यों क्या हुआ? अरे रे, छोटे छोटे बच्चे थे उसमें। बहुत बड़ा एक्सीडेंट है, इंक्वायरी करनी पड़ेगी। वो जीप वाले को कुछ पता चला क्या? सोमन जरा एक चाय बोलो। हैं? ठीक है सर। क्या हुआ शिवन? वो जो एक्सीडेंट हुआ जीप से, उसका ड्राइवर, हाँ उसको पकड़ के अंदर डाला है हमने, फोटो निकाल रहे हैं उसका। क्यों? तमिलनाडु का है। पागल है एकदम, कांबो किसी ऐसी जगह से है। एक बार देख सकता हूँ क्या? क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाँ जाके देख लो। हाँ सोमन सर। अबे इधर देख, कमीना कहीं का। मंजू बेटी, बेटी चलो निकलते हैं। बेटी शिवा
केशव भाई शिवा, केशव भाई कैसे, ये कैसे हुआ? वो एक बार बैठ जाता हूँ तो सब ठीक रहता है, लेकिन चढ़ता उतरता हूँ तो कमर दुखती है। क्या है, बुढ़ापा हो गया है ना? अच्छा तो मैं चलता हूँ। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है आप पर आंटी। आहा, अब तक तुम लोग गए नहीं। ऐसे कैसे, रात को अकेली लड़की को बिठाकर कैसे चले जाते हम लोग। आ जाओ तुम लोग, चलो चल बाय। ठीक है, अच्छा सुनो, जल्दी से वहाँ आ जाना। हाँ, भांजी की शादी में सब मामा का ढूंढते हैं, चार घर छोड़कर ही वहाँ रहते हैं। ओ, शिवा को आने दो, अभी तुम लोग जाओ, जाओ। हाँ ठीक है। हाँ, तो बेटी। ओ, बारिश आने वाली है। सुनो, कंबल बाहर सुखाया है, उसे अंदर ले लो। ठीक है ठीक है। हाँ। शिवा कुटी है? वो तो नहीं है। तुम कौन हो? मैं उनकी बेटी हूँ। हाँ क्या, तो तू चल। अरे छोड़ो, केशव मामा, छोड़ो। ए रुक जा, कौन है, छोड़ छोड़ इसको। हट बुड्ढे, हट, मार जा बुड्ढे, छोड़ दे, बोला रहते हो। मारूंगा। नहीं किया? नहीं। अरे क्या काम करते हो तुम लोग, तुम्हें पता है ना कि कल रात को ही फोन किया था। अच्छा दोस्त है, बहुत अर्जेंट काम करना है, ये भी बोला था ना मैंने, इसी वजह से बिल्कुल सुबह सुबह आकर बोल दिया था मैंने। हाँ ठीक है, 8 बजे कॉल कर लेना। हेलो पापा। बेटी, पापा, एक आदमी मुझे यहाँ। बस बस। हेलो शिवा कुटी, कैसा है? मैं हूँ गुंडा लॉरेंस। लॉरेंस, मेरी बेटी, उसको छोड़ दो। क्या शिवा, तेरे से मिलने आया मैं। तू तो मिला नहीं, तेरी बेटी से मिला, उसे उठा कर ले आया। तुम्हें तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तू चाहिए शिवा, तू अभी यहाँ। मैं जहाँ बोलूँ उस जगह पे आ जाना। शिवा, मुझे तू एक सच बता। वो सुनना है मुझे, तेरे मुंह से सुनना है। हाँ शिवा, अकेले आना। केशव भाई कैसे हैं? कुछ बोल नहीं सकते, आईसीयू में है। शुगर की वजह से चक्कर खा के गिर गए वो। कुछ नुकीला सा उनके पेट में घुस गया था, ऐसा बताया ना आपने? सच बताया तो लोग मेरी बच्ची के बारे में न जाने क्या सोचेंगे। वो मुझे मिलेगी या नहीं ये भी मुझे नहीं पता। एक पागल, एक राक्षस ऐसे मेरी बच्ची को लेकर गया, इसलिए मैं हॉस्पिटल में इस तरह से बोला। वही कहानी दोहराने के लिए मैंने केशव भाई को भी बोला। केशव भाई मान गए,
बेहोश होने से पहले दोस्त का कॉल आया क्या? हाँ। अच्छा शिवा भाई कहाँ जा रहे हो? उसी के पास अपनी बेटी को लाने। शिवा भाई मैं भी हूँ साथ में, लेकिन मुझे ये जानना है कि कौन है वो, आपकी जिंदगी में वो कैसे आया, बताइए। पूल के पास जाकर रुको, मैं वहीं आता हूँ। शिवा भाई थोड़ा रुकिए, मैं पैसे लेकर आता हूँ। राजा हाँ? मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर जैसे आम आदमी की जिंदगी में लॉरेन जैसा कोई आए तो कुछ आसान नहीं होता। जिंदगी थम सी जाती है, चुपके बच के खुद से भाग कर बताने में सुनने में वो तो आसान है, लेकिन उसे भुगतना। बारिश होने वाली है, सुनो कंबल सुखाया था उसे अंदर ले लो। हाँ हाँ ठीक है। इस सफर में मेरे अंदर और कुछ नहीं है, उसको चाहिए मेरी जान, वो मैं दूंगा मेरी बच्ची को बचाने के लिए। लेकिन मुझे पता है तेरी उम्र मेरी जितनी नहीं है, मेरे जैसा मन नहीं है तेरा। मेरे अंदर का गुस्सा और बदला तेरी आंखों में दिख रहा है, लेकिन नहीं, मैंने तुम्हें साथ बुलाया उसके लिए नहीं। मरने से पहले मेरी बच्ची बच गई तो मुझे यकीन होना चाहिए, वो यकीन होने के बाद मैं उसको सब बताऊंगा। तुम दूर खड़े रहना, उसके सामने मैं अकेले ही जाऊंगा, वैसे ही होना चाहिए उसने बोला है,
वो पहुंच ना सके ऐसी कोई जगह तो मेरी बेटी को लेके जाना। तुमने जैसे मुझसे बोला है, एक बूंद आंसू भी मेरी बेटी के आंखों से मत गिरने देना। जो मैंने तुमसे यहां बोला, अगर वो तुम मानते हो तो यहां से आगे चल सकते हो मेरे साथ, नहीं तो वापस लौट जाओ, यही सही है। उससे मिलने मैं अकेले जाऊंगा। आप इतनी देर से यहां तक चला कर लाए, आगे मैं चलाऊंगा। आइए बैठिए। मैं उतर रहा हूं, याद है ना जो बोला था? मंजू आएगी और साथ में बाला सर का पोता भी। तुम उसको बाला सर के पास पहुंचाओ, उसके बाद मेरी बच्ची के साथ जाओ दूर। उस दिन के जैसे फिर बोलता हूं, मुझे भरोसा है तुम पे। आ गया। नहीं आता तो कैसे चलता? सही बोला ना शिवा। मेरी बच्ची कहाँ है? मुझे देखना है उसे। देख लेना शिवा, इसके लिए क्यों टेंशन ले रहा है? तेरे बच्ची को कुछ किया मैंने? देख 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 देख, मेरी तरफ देख, गौर से देख। मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत ही। देख मेरे मुंह पे, ठीक से देख, देख के बोल। आजा। खेल सब बंद। अब बता शिवा, तुझे तेरी बेटी को ले जाना है ना? आ लेके जा, ले जा। उसके पहले सच बता शिवा, सच बता, मेरे आंखों में देख। तूने ही मुझे गोली मारी थी ना? पीछे से तूने ही मारा था ना? मैं बताता हूं। हाँ, लेकिन उसके पहले मेरी बच्ची को छोड़ दो। क्या शिवा, तू भी आओ आओ आओ, इधर आओ। तेरी बेटी को छोड़ देता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे सच जानना है, तूने ही गोली मारी थी ना? देख देख देख, यहां देख, सोच मत। तेरी बेटी जहां भी है, सांस भी नहीं ले पाएगी, लेट करेगा तो। याद है ना उस दिन छोटी बच्ची मर गई ना? वैसे ही मेरा यकीन कर शिवा, तू बताएगा तो मैं छोड़ दूंगा। मेरी आंखों में देख के बोल।
हाँ मैंने मैंने तुझे गोली मारी थी उस दिन। हाँ पुल के ऊपर से जब तू भाग रहा था तब तब मैंने तुझे गोली मारी। वही वही लॉरेंस मेरी बच्ची को छोड़ दो अब। मैंने अब तक जो बोला तूने सच मान लिया। मान लिया ना मुझ पे यकीन किया हाँ 12 साल मैं लेता रहा इतने सालों तक ऐसे ही लेता रहा इधर ट्यूब उधर ट्यूब पागल कुत्ते जैसे पागल जैसे तब तक सब कुछ जा चुका था सब खत्म हो चुका था सब कुछ मेरे खून की गर्मी चली गई मेरी जवानी चली गई सब कुछ चला गया देख मेरे बाल तक चले गए मेरा मूंछ देख सफेद हो गई है दिख रहा है ना सब चला गया तेरी वजह से यकीन किया मैंने जो बोला यकीन किया। तेरे बच्ची को छोड़ दूंगा ऐसा तूने यकीन किया हा? उस दिन आंख बंद होते वक्त बेहोश होते वक्त मैंने क्या देखा तुझे पता है किसको देखा याद है तुझे माया वो कितनी खूबसूरत है पता है बहुत खूबसूरत है सुंदरी बड़ी आंखें उसके लाल लाल होंठ गाल देखता हूं तो मुझे काटने का मन करता है शरीर देखूं तो हॉस्पिटल से निकलकर सीधा उससे मिलने गया दूसरा कोई टका टका मैंने देखा तो दोनों एक दूसरे के साथ चिपक के मैंने सोचा सब गलती उसकी नहीं है याद नहीं आया बहुत साल बीत गए ना वो सोची अब मैं नहीं उठूंगा गई फिर गई किसी और के साथ फिर सोचा किसकी गलती है तो पता चला कि मेरी है मेरी गिर तो मैं गया था ना तभी यहां से एक आवाज आई तू ऐसे ही गिरा था क्या या किसी ने तुझे गिराया वही वही है गुनहगार कौन हा? कौन देखा पेपर में देखा हमारे बाल गोपाल सर हंसते हुए चिपके थे मैं ही गुंडा लॉरेंस को ठोका 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 ऐसे हंस रहे थे तभी मैं पहुंचा बालन सर के पास और देखा मेरे पैर पर गिरकर वो फूट फूट कर रोए मैं नहीं लॉरेंस मैं नहीं उस शिवा कुट्टी ने तुझे गोली मारी उसी ने तुझे मारा था और जैसा कि तूने भी अभी मुझे बोला कि तूने गोली मारी तूने सच बताया शिवा कुट्टी मैं तुझे सच बताऊं मैंने भी तुझे झूठ बोला तेरी बच्ची को जब ऐसे पास से देखा क्या आंखें क्या होंठ लाल लाल गाल देखकर तो काटने को मन करता है शरीर देखो तो
मेरी अंदर की जवानी फिर से बाहर आ गई। डरो मत शिवा, मैं नहीं छुआ उसको। पता है क्यों? तेरे आने से पहले अगर उसको छूता तो तेरे लिए जो बदला लेने की चाहत थी वो खत्म हो जाती। ऐसा नहीं होना चाहिए था ना शिवा। ऐसे तुझे बता के डरा के मारने के बाद उसको छूऊंगा, अपने साथ रखूंगा, रखेल बनाकर। रखेल रखेल रखेल। क्यों शिवा, खुश है ना तू? तेरी वजह से मैंने अपनी एक बच्ची पहले ही खो दी है, लेकिन अब दूसरी बच्ची के लिए मैं तेरे यहां पर पैर पकड़ने के लिए आया हूं। मुझे मार दो, लेकिन मेरी बच्ची को तुम छोड़ दो। मेरे जैसा एक आम आदमी, एक छोटा सा टेलर तुम्हारे सामने और क्या कर सकता है? वो मेरी जिंदगी है। मैंने उसे कंधे पर सुलाकर उंगली पकड़कर चलना सिखाया। मेरी बच्ची मेरे लिए क्या है? ओह, उसकी आंखें, उसका शरीर, सब मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ। एक बेकार सी लड़की जो मर के नरक में चली गई, उसकी जगह पर तू मेरी बच्ची को रखेगा? ऐसा मेरे मुंह पर बोल कर देख। तू कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, अगर मैं तेरी छाती पर लात न मार सकूं तो मैं बाप कैसा हो जाऊंगा? डर गया, डर गया। ले ले, मार मार। मारना। शिवा भाई, मुकुंदा, मुझे मत देखो, उसको छोड़ना मत। अब एक और बार भी वो उठना नहीं चाहिए। जा, जा। कौन है बे तू? इसके और मेरे बीच में तू कौन है? इस आदमी की जिंदगी को पूरी तरह तूने बर्बाद कर दिया, इसीलिए एक अनजान होकर भी एक इंसानियत के नाते तुझे मारने आया हूं। Come on!
मुकुंदा, मंजू यहीं कहीं होगी, जल्दी जा, जल्दी जा।